Hello everyone. In this interaction, we will talk about presiding officers of parliament. That is Lok Sabha and Rajya Sabha. Each house of the parliament has its own presiding officer. मतलब parliament के हर house का अपना presiding officer होता है. For like Lok Sabha, it is speaker and deputy speaker. And for Rajya Sabha, it is chairman and deputy chairman. In this interaction, we will only confine to Speaker of Lok Sabha, that is 7th rank along with the Chief Justice of India. Means the ranking of Speaker of Lok Sabha is considered as 7th rank along with Chief Justice. Higher rank than all Cabinet Minister except Prime Minister and Deputy Prime Minister. Let us discuss how they are selected. Means how Speaker of Lok Sabha and Rajya Sabha is selected. In this interaction, we only confined to Speaker of Lok Sabha. Election of and tenure. The Speaker is selected by the Lok Sabha amongst its members as soon as maybe after its first sitting. Matlab ki Speaker jo hai Lok Sabha ka, wo unke hi members se chuna jata. Maan lo ki Lok Sabha mein जितना स्ट्रेंथ है 552, तो उन्हीं से वो चुना जाएगा. उनके लिए एक इलेक्शन होगा. जैसे ही लोकसभा का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट इलेक्शन के बाद, जैसे 2014 में मोदी ने जो जीता था सीट, उसके बाद पहला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट जो हुआ होगा 2014 के समय में, तो उस समय एक वोटिंग हुआ होगा सिलेक्शन के लिए, तो उसके प्रोसेस पर वो सिलेक्ट किया जाता है. वेन एवर द ऑफिस ऑफ स्पीकर फॉल्स वैकेंट, द लोकसभा selects another member to fill the vacancy. The date of election of speaker is fixed by president. क्या होता है कि लोकसभा जैसे ही इसका मतलब member का vacancy होता है, तो तुरंत ही फिर दूसरा member के लिए vacancy को fill करने के लिए इसका election हो जाता है और वो vacancy को fill किया जाता है. और date जो है इसका election का, लोकसभा का जो speaker है इसके लिए जो फिक्स किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति इसको फिक्स करते हैं. और यूजुअली द स्पीकर रिमेंस इन द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा. तो स्पीकर का जो टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है रहने का, जो टर्म है, वो है लाइफ ऑफ द लोकसभा. मतलब जितना दिन तक लोकसभा को कंटिन्यू चलता रहेगा तब तक उसका लाइफ रहेगा. मतलब 2014 में जो हुआ था, मतलब जो सिलेक्ट हुए होंगे स्पीकर, उनका लाइफ टाइम कब तक रहेगा, नेक्स्ट इलेक्शन तक 2019 तक, 5 साल तक चलता है लोकसभा. 5 साल के बाद जैसे ही लाइफ इसका मतलब डिसॉल्व होगा, जैसे लोकसभा भंग होगा, तो उस समय तक इसका लाइफ रहेगा, ठीक है. लेकिन स्पेशल केसेस होते हैं, तो 3 स्पेशल केसेस है कि इस उस केस में ये मतलब स्पीकर को अपना सीट वैकेट करना पड़ेगा. हाउएवर ही हैज़ टू वैकेट हिज सीट अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस. तो 3 कंडीशंस हैं जिससे कि उनको हो सकता है कि पहले भी वैकेंट करना पड़ सकता है सीट. तो कौन सा 3 केसेस है? तो पहला केस है कि जब तक उनका टेन्योर है, जो लाइफ ऑफ द लोकसभा वो है, मतलब इफ़ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है. इफ़ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर. और एक तरीका है, मतलब एक केस है कि वो डिप्टी स्पीकर को अपना रिजाइनिंग लेटर दे के वो सीट को वैकेंट कर सकते हैं बिफोर द कंप्लीटिंग लोकसभा फुल टर्म. थर्ड इज इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. तो क्या होता है, कभी 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 लोकसभा में लगे कि वो स्पीकर सही से प्रोसीडिंग्स को नहीं कर रहा, वर्किंग्स को नहीं कर रहा, वहाँ पे इनका काम वही रहता है. तो अगर उनके मेंबर्स को लगता है कि काम और प्रोसीडिंग वहाँ सही से नहीं हो रहा, तो क्या होता है, एक रेजोल्यूशन चलता है जो मेजोरिटी से उनको सपोर्ट करना पड़ता है, तभी वो वैकेट वो वैकेट करेंगे सीट. सच ए रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस. तो इसमें क्या है कि रेजोल्यूशन तो चलेगा, लेकिन 14 दिनों का उनको एडवांस नोटिस देना होगा. मतलब किसको? स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, जिसके अगेंस्ट ये चला जा रहा है. तो ये 3 केस हो गया. तो इन 3 केस से जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसको अपना सीट वैकेट करना पड़ेगा. मतलब
ये अगर मेजोरिटी से वो क्लियर हो जाता है तो ठीक है। वन इज रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही कैन नॉट डिसाइड एट द सिटिंग ऑफ हाउस। तो जब ये रेजोल्यूशन चलता है उस समय इसको मतलब जो स्पीकर हैं वो डिसाइड नहीं कर सकते सिटिंग ऑफ द हाउस में, मतलब जब ये रेजोल्यूशन कंसिडर किया जाता है उस समय में, ठीक है। दो ही में भी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट हो सकते हैं, हाउएवर ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एट सच अ टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट टेंस। तो इसको पहला ये मतलब उसमें प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट भी कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टांस में, मतलब पहला वोटिंग के ये में या फर्स्ट इंस्टांस में वोट कर सकते हैं, पर लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ वोट्स नहीं होना चाहिए। डू नोट इन द केस ऑफ अनइक्वलिटी ऑफ वोट्स, मतलब इक्वलिटी ऑफ वोट्स के केस में, जैसे मान लो कि जो कंसिडरेशन हुआ रेजोल्यूशन का रिमूवल के लिए, इनके डिस्क्वालीफाई करने के लिए इनको, तो अगर इक्वलिटी का बात आ जाता है कि हाँ अब ये डिस्क्वालीफाई होने का वोट अगर जो लिमिट है वो हो जा रहा है, तो उस केस में ये वोट नहीं कर सकते, ठीक है, वो चाहिए। और वो सिटिंग को भी प्रिसाइड नहीं कर सकते, मतलब जब इनके अगेंस्ट रिजुलेशन का रिमूवल रिजुलेशन जब चलेगा राज्य लोकसभा में उस समय पर, ठीक है। और इट शुड बी नोटेड हियर दैट वेन एवर द लोकसभा इज डिजॉल्व, जब भी लोकसभा डिजॉल्व होता है तो ऐसा नहीं है कि स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस, मतलब स्पीकर को जस्ट लोकसभा डिजॉल्व हो गया तो वैसे में सीट को वैकेट करना ऐसा केस नहीं है। केस यह है कि जैसे लोकसभा डिजॉल्व हो गया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इनके सीट पे, लेकिन न्यूली इलेक्टेड लोकसभा जो पहला मीटिंग होता है, मतलब फर्स्ट इलेक्टेड जैसे 2014 में हुआ था, तो लास्ट वाले जो होंगे तो पहला मीटिंग में उनको अपना सीट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्पीकर का प्रोसीडिंग्स था कि प्रोसीडर था कि कैसे उनको उनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन चलाया जाता है, और मेजोरिटी होना चाहिए और 14 डेज का प्रायर नोटिस उनको दिया जाना चाहिए, ठीक है। इनका रोल क्या होता, पावर्स क्या होता, फंक्शन क्या होता, ये है। द स्पीकर इज़ द हेड ऑफ लोकसभा, ये स्पीकर जो होते हैं लोकसभा का हेड होते हैं, एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, तो इनका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा को। ही इज़ द गार्जियन ऑफ पावर्स एंड द प्रिविलेज ऑफ द मेंबर, तो ये गार्जियन होते हैं पावर और प्रिविलेजेस जो होते हैं, जो स्पेशल पावर्स होते हैं उनका हेड होते हैं ये, द हाउस एज अ होल एंड इट्स कमिटीज, ठीक है। ही इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल, जितने भी पार्लियामेंट्री मैटर्स होते हैं जो भी रिलेटेड टू लोकसभा होता है, तो जितने भी बिल्स आते हैं जितने भी वहाँ पे पास होने के लिए टेबल किए जाते हैं, इन्हीं का जो ये डिसीजन रहता है वही फाइनल रहता है, और एक बार इन्होंने अगर डिक्लेयर कर दिया तो वो पास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो राज्यसभा के लिए कंसिडर किया जाता है, अगर वहाँ से पास हो गया उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, अगर वहाँ भी वो ये हो गया तो वो एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। ही इज़ दस मच मोर देन द मेयरली द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, इसीलिए वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा से भी बढ़कर हैं, ठीक है। इन दिस कैपेसिटीज ही इज़ वेस्टेड विद द वास्ट वैरिड एंड वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एन्जॉयस ग्रेटर ऑनर हाई डिग्निटी एंड सुप्रीम अथॉरिटी विद इन द हाउस, तो इनका बहुत ज़्यादा वास्ट वैरिड और बहुत ही वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बहुत ही इनका महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, और इनको ग्रेटर ऑनर दिया जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है, हाई डिग्निटी रहता है, ठीक है, और सुप्रीम अथॉरिटी है, मतलब एक तरह से इनको सुप्रीम पावर दिया गया है लोकसभा को इतना, तो और इनको जो डिराइव करती है पावर वो किन क्या मतलब किस वे में इनको वो पावर दिया गया है, किन के किस रूल के तहत इनको पावर दिया गया है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है उनके अंडर इनको पावर दिया गया है।
The Speaker of Lok Sabha derives his powers and duties from three sources. तो तीन sources से इनको power दिया गया है. तो पहला तो है Constitution of India, पहला है, ये तो कोई deny नहीं कर सकता. दूसरा है Rules of Procedure and Conduct of the Businesses of the House. तो जो Rules of Procedure and Conduct है House के business का, मतलब जो proceedings and workings होती है वहाँ पे, उसका एक rule का एक book रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इनको पावर दिया जाता है कि जो मेंशन चीज है उन्हीं में ये पावर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस है. पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस कहने का मतलब है कि जो रिसोडियरी है उनके लिस्ट में जो कंटेंट किया हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है. तो ये था आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा. और दूसरे वाले में हम लोग इंटरेक्शन में बात करेंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा. और इसी प्लेलिस्ट में रहेगा आगे वाले प्लेलिस्ट में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. तो इनका क्या रोल रहता है, और डिप्टी चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और इनका क्या रोल रहता है. ठीक है, तो हम लोग दोनों केस में देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कि दो स्पीकर हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन है. तो ऐसा इसलिए है कि अगर एक के ये में अगर वैकेंट रहेगा सीट, अगर वो एब्सेंट रहेंगे तो उसके प्रोसीडिंग, मतलब जो हाउस ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा है उसको स्मूथली वर्क करने के लिए वो प्रिसाइड करेंगे. ठीक है, जैसे स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर उसको प्रिसाइड करेंगे. अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो क्या वर्किंग्स रुक जाएगा? नहीं, वो क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म एक इलेक्शन होता है उन्हीं के मेंबर्स के अमोंग, तो वो फिर से एक अपना ये बना लेंगे टेम्प्रेरी, जिसको बोलेंगे टेम्प्रेरी स्पीकर, वो प्रोसीडिंग को आगे करेंगे. तो ये था स्पीकर ऑफ लोकसभा का, जिसका रैंक को माना जाता है 7th रैंक, मतलब एक रैंकिंग लिस्ट रहता है कि प्राइम मिनिस्टर इतना में है, फिर राष्ट्रपति हैं, फिर ऐसा रैंकिंग रहता है, चीफ जस्टिस है, उसके बाद इनका रैंक लिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके अकॉर्डिंग में, मतलब जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उनका जो जज हैं उनके अकॉर्डिंग इनका रैंक लिया जाता है. 7th रैंक है, टॉप 7 में, 1 2 3 4 5 6 7 में है. ठीक है, और हायर रैंक है जो प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी इनका रैंक हायर है, मतलब कंसिडरेशन में. ठीक है, सॉरी ये उसमें नहीं है, हायर रैंक देन जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर है उससे हायर है, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री और डिप्टी प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके नीचे है, लेकिन जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर है. तो ये एक ऑसम सा इंफॉर्मेशन था. तो और भी ऐसा इंफॉर्मेशन ऐड होगा आगे वाले प्लेलिस्ट में, तो रेट रिव्यू और रिकमेंड कीजिए इसको. तब तक के लिए थैंक यू.